बीच पर शर्टलेस होकर सलमान खान बने हुए हैं रिज स्टार और इनके साथ हैं सोफिया। भाई गुजरात की एक कुड़ी को मिल गया रिजवा साथ, तो दोनों की बीच किनारे आशिकी शुरू हो गई। ये नजारा है MX टकाटक के फेम हाउस का, जिसकी शूटिंग हो रही है गोवा के कांदुलिम बीच पर। अब बीच पर रिज स्टार शर्टलेस होकर गोवा की लहरों का आनंद उठा रहे हैं और इनकी जोड़ी बन गई है गुजरात की मुस्कान के साथ, और दोनों का रोमांटिक अंदाज काफी टकाटक है। पर यहाँ पर 18 इन्फ्लुएंसर्स एक दूसरे के साथ कलैब कर रहे हैं, और देखिए रिज स्टार और सोफिया अंसारी का ये टकाटक सा गोवा वाला वीडियो। वैसे सोफिया के साथ जरा गोवा के इस बीच की सैर की जाए और साथ आज यहाँ के नजारे को भी देखा जाए जो MX टकाटक के फेम हाउस का हिस्सा बन गया है। हेलो आज तक, सो मेरा नाम है सोफिया अंसारी, मैं गुजरात से हूँ एंड मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ यहाँ पे 20 में से, एंड यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है एंड मैंने अभी 5-6 कोलैब किए हैं इन्फ्लुएंसर से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतने बड़े बड़े लोगों से यहाँ पे मिल रही हूँ इन्फ्लुएंसर से, एंड यहाँ का मौसम बहुत अमेजिंग है गाइस, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप आओगे एंड इतना एंजॉय करोगे। और यहाँ पे हम सोच रहे थे कि 10 दिन हमें रुकाते, बट अनफॉर्चुनेटली हमें सिर्फ 5 दिन मिलेंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमारे साथ ऐसी टीम है जो 2 दिन स्टंट्स करते हैं, 2 दिन लिपसिंग करते हैं, 2 दिन डांस के लिए फेमस है, 2 दिन अपने डायलॉग्स डिलीवरी के लिए फेमस है, कॉन्सेप्ट के लिए फेमस है। सो इट्स अ मिक्स ग्रुप एंड उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे, एंड स्पेशली मेरा ज़्यादातर वीडियो फेमस हुआ है वो डांस एंड लिपसिंग है एंड मेरे लुक की वजह से। सो मैं अभी यहाँ पे आज कंप्लीट करने वाली हूँ, आई गेस मैंने कल 10 कोलैब किए थे, 10 वीडियोज़ बनाए थे सबके साथ, आज मेरा शायद स्कोर है 15, मैं 15 क्रॉस करूँगी बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छा बैकग्राउंड आ रहा है और खाना जो खाना बहुत अमेजिंग था, लाइक दैट इज लाइक यहाँ पे आए और गोवा में फिश नहीं खाया गोवा का एंड मौसम खाया तो फिर क्या खाया, सो इट्स रियली अमेजिंग। एंड अभी हम पैरा करेंगे क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम सब अपना सेकंड पेयर नहीं लेकर आए हैं क्लोथ का, सो ये हमारे थोड़े ग्रुप वाले यहाँ खड़े हैं, दे आर जस्ट डूइंग देयर ओन, कुछ लोग ब्लॉग बना रहे हैं, कुछ अपने ब्लॉग कर रहे हैं, और अच्छा है कि आज बिल्कुल भी यहाँ पे सनी वेदर नहीं है, डिम सनी वेदर है, बहुत ही कम सन है यहाँ पे, सो हम जल्दी थकेंगे भी नहीं और हमारा स्टैमिना लेवल भी लो नहीं होगा। एंड मौसम बहुत विंडी है, थोड़ी थोड़ी हवा के झोंके आ रहे हैं ठंडे ठंडे, तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और यहाँ पे हम जितना हो सके उतना गुलाब बना सकें। करने वाले हैं पर
एट द एंड जब हम सब कोलैब कर लेंगे, क्योंकि हम कोई भी, हमें किसी ने बताया नहीं था, हम अवेयर नहीं थे इस चीज़ के लिए, तो किसी ने भी हमारा, हमें सेकेंड पैर लेने के लिए नहीं बोला फ्लोट का. सो ऑब्वियसली हम लास्ट में करेंगे, सब एंजॉय करेंगे एंड वापस.